ये बहुत शैतान है, ये बहुत, ये ना ये जी सबसे शैतान है, टेंशन ये सबसे शैतान, सबसे शैतान बच्चा है, सबका सबसे शैतान बच्चा है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल डूड 9। अभी हम हैं काजा बस स्टैंड पर। यहाँ से रोज मॉर्निंग में कुल्लू और शिमला के लिए सुबह 5 बजे और 7 बजे बस चलती है। इसी के अपोजिट में है काजा टैक्सी स्टैंड। लोकल टूर के लिए यहीं से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। वन डे काजा टूर में आप हिक्किम, लांगजा, कॉमिक, चीचम्ब्रेज, की मॉनेस्टी, किब्बर देख सकते हैं। बस स्टैंड के पास ही हमने इस होम स्टे में रूम बुक किया था, जिसका पर नाइट रूम कॉस्ट 700 रुपीज था। ये है काजा विलेज, जो कि काफी क्लीन और कलरफुल है। बस स्टैंड से थोड़ी ही दूर पर आप काजा में आप साक्या मॉनेस्टी के दर्शन कर सकते हैं, पर यह मॉर्निंग में केवल 1 आवर ही ओपन होती है। इसके बिल्कुल अपोजिट में ही आप स्तूपा के दर्शन कर सकते हैं। स्तूपा के बिल्कुल बैक साइड में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट है। फिर यहां से नेक्स्ट पेट्रोल पंप आपको मनाली और रिकॉम्पियो में मिलेगा। ये है काजा का पोस्ट ऑफिस। अब हम जा रहे हैं काजा डे टूर पर। ये है काजा मार्केट, जो कि छोटा है पर काफी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर केवल SBI ATM और बैंक है। यहाँ पर BSNL और जियो सिम ही काम करता है। यह है काजा का फेमस हिमालयन केव। हमारी टैक्सी आ चुकी है, अब आप भी हमारे साथ काजा घूमने के लिए तैयार हो जाएं। अभी आप पहले कहाँ जा रहे हो? पहले जा रहे की मॉनेस्ट्री। फिर उसके बाद आएंगे चीचिंग ब्रिज। ओके, फिर उसके बाद आएंगे कीबर। उसके बाद जाएंगे हम लांगजा। ओके, फिर उसके बाद कॉमिंग मॉनेस्ट्री। फिर उसके बाद जाएंगे लास्ट में वहाँ जो रिवर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यह है स्पीति रिवर, जो कि कुंजुम पास से निकलती है और आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली भी कहा जाता है, जो कि हिमालय के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हिमाचल प्रदेश इंडिया में स्थित है। स्पीति का मतलब होता है द मिडिल लैंड, दैट इज द लैंड बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति घाटी तक पूरे साल पहुंचा जा सकता है। स्पीति की सीमा सुमदो, जो काजा से 74 किलोमीटर दूरी पर है, से शुरू हो जाती है, जो भारत चीन सीमा के काफी करीब है। गर्मियों में काजा मनाली के रास्ते रोहतांग सुरंग और कुंजुम पास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। विंटर में कुंजुम पास नवम्बर टू मार्च क्लोज रहता है। लेफ्ट में आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये एकमात्र ब्रिज है जो काजा को मनाली से जोड़ता है। यहाँ से आप कुंजुम पास, लोजर, बाटाल से होते हुए मनाली जा सकते हैं। ये रूट काफी एडवेंचरस रूट है। स्पीति रिवर के साथ साथ आप कई छोटे छोटे विलेजेस, पहाड़, नीला आसमान, बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखेंगे,
जो कि काफी सुंदर लगते हैं। रियली में ये जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। नीचे जो ऊपर टॉप में है ना वो मॉनेस्ट्री है, बाकी नीचे पूरा। अच्छा, ये टॉप में मॉनेस्ट्री है, सबसे ऊपर मॉनेस्ट्री है। हाँ जी, बाकी नीचे साइड में लगाया नहीं है। हाँ, ये पूरा लामा लोगों का रहते हैं। अच्छा, लामा लोगों का घर है ये। क्या जला जगह पे रहते हैं यार, बहुत अच्छी। अभी हम एंटर कर रहे हैं की मॉनेस्ट्री में। की मॉनेस्ट्री सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है पूरी स्पीति वैली की। ये मॉनेस्ट्री सी लेवल से 4166 मीटर हाइट पर स्थित है। डिनर में क्या खाते हो? राजमा चावल खाते हो? हमको भी राजमा चावल खिलाओ ना, हमको बहुत पसंद है। डिनर को आना है। अच्छा, डिनर में आना। हमको भी राजमा चावल बहुत पसंद है। राजमा चावल? हाँ, बहुत खाते हैं। हम यूट्यूबर आ जाओ। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फाइटिंग नहीं करना है, फाइटिंग नहीं करना है। आप अच्छे बच्चे हो, आप लोग बहुत अच्छे। ये बहुत शैतान है, ये बहुत, ये ना, ये सबसे शैतान है। टेंशन, ये सबसे शैतान, सबसे शैतान बच्चे, सबसे शैतान बच्चा है। की मॉनेस्ट्री के जो फाउंडर थे उनका नाम था की गोम्पा। की मॉनेस्ट्री सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है स्पीति वैली की। ये एक रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर है लामास के लिए। ये काजा बस स्टैंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एट प्रेजेंट यहाँ पर 400 लामास रहते हैं और स्टडी करते हैं। पहले ये मॉनेस्ट्री रांगरिक में थी, पर 17 सेंचुरी में मुगल्स ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ पे हाँ ऊपर ही शराब आती है। हम जा रहे हैं किम और चिचिम ब्रिज। हाँ किम चिचिम ब्रिज। हाँ चिचिम ब्रिज जाएंगे ना। ओके ओके। कहाँ पड़ेगा? बताओ भैया। किधर इधर वाना है? और हमें मनाली की तरफ जाना है, तब इधर निकल सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ओके।
यहाँ पर आपको कई बाइकर्स और बाहरी टूरिस्ट व्हीकल्स मिलेंगी जो रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मोबाइल टावर्स और सिग्नल्स नहीं आते। आप गूगल मैप्स यूज नहीं कर सकते, सो इसीलिए घूमने से पहले आप गूगल ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आ जाना मेरे पीछे पीछे आ जाना। चलो फिर पीछे पीछे आस्ते आस्ते चलना फिर। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज जो कि सी लेवल से 13,596 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ब्रिज चीचम विलेज और किब्बर विलेज के बीच में बनाया गया है। इस ब्रिज से आप नीचे सांबा लांबा नाला देख सकते हैं जो कि 1,000 फीट नीचे है। इस ब्रिज के बनने के बाद किब्बर से लूजर की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई है। जो मेन ये ब्लैक कलर ग्रीन कलर ये तो सीमेंट ये तो पूरा खराब ही हो गया। गया भाई पूरा नीचे नहीं गया। अभी हम एंटर कर रहे हैं किब्बर विलेज में। किब्बर काजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां काजा से बस से भी आ सकते हैं। यहां पर भी एक मॉनेस्ट्री और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्नोफॉल के समय यहां पर आप व्हाइट लीपर्ड देख सकते हैं। किब्बर सी लेवल से 14,010 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम है। यहाँ पर आपको हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है और प्यास लगना शुरू हो जाती है। आप अपने साथ वाटर बॉटल्स और कुछ चॉकलेट्स जरूर रखें, साथ ही साथ आप हाई एल्टीट्यूड पेन किलर भी साथ रखें।
वहां मैं ब्रेक मार के बैठूंगा।
मोनेस्ट्री है, ये हिल टॉप हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड कॉमिक। दो फ्राइड राइस, एक ये है, यहाँ से पोस्ट जाती कब होगी वही पता चल जाएगा जब खुद को लिखेंगे ना, 15 दिन बाद आएगी जब हम। पांच के 2-3 पोस्ट कार्ड खरीद ले। अब भाई नुबा